टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस पर पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू अनुच्छेद 370 का जिक्र कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करके गलती की थी। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बड़ा बदलाव किया है। कंगना रनौत लगातार चुनाव प्रचार में जुटी नजर आ रही हैं। अमृतसर अटारी बॉर्डर पर कंटीली तार पार कर भारतीय सीमा में घुसे एक पाकिस्तानी नागरिक को बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सभी बूथ अध्यक्ष समेत लाखों कार्यकर्ताओं से डिजिटल संवाद साधेंगे। चित्रकूट में एक तेज रफ्तार डंपर वाहन ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों का दौरा करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में वो एक रैली को संबोधित करेंगे, वहीं राजस्थान के कोटपुतली में जनसभा करेंगे। इसके बाद शाम को बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वे संवाद साधेंगे। मंगलवार को उत्तरी जापान के इवाते और आओमोरी प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत का उत्तरी तटीय हिस्सा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के 7 जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति की। भारतीय शेयर बाजार आज सपाट खुलकर तेजी से नीचे आया। सेंसेक्स में बाजार की ओपनिंग के तुरंत बाद 128 अंकों की गिरावट आ गई है और ये 73,885 अंक नीचे आ गया, यानी 73,900 के लेवल से फिसल गया। मुंबई की मीरा रोड में फिर धार्मिक विवाद की खबर सामने आई है। गोपाल प्रसाद नाम के शख्स ने काशी मीरा में FIR दर्ज करवाई है कि इलाके के ही मुस्लिम लड़कों ने उसके दो नाबालिग बेटों को बुरी तरह से पीटा और भगवान राम के प्रति अभद्र टिप्पणी और गालियां दी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास एक शिकायत दायर कर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सोलापुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राम सातपुते पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जयंत पाटिल ने अहमदनगर लोकसभा सीट से NCP उम्मीदवार नीलेश लंके के लिए पाथरडी शहर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जयंत पाटिल ने अजित पवार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने NDA में सीट बंटवारे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महायुति के सहयोगी महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के करीब है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने शरद पवार गुट वाली NCP कोटे से सीट मिलने की स्थिति में सतारा से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। महाराष्ट्र में MVA में शामिल कांग्रेस ने कोला सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में BJP ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। अजित पवार ने हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्षी दल हर बार चुनाव नजदीक आने पर संविधान बदलने जाने का मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि उनके पास चर्चा के लिए कोई अलग मुद्दे नहीं है। IMD ने कहा है कि महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में अप्रैल से जून की अवधि के दौरान लोगों को बेहद ही अधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के नागपुर में आर्थिक अपराध शाखा ने 2 भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर एक बिल्डर से 200 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप है। सुनील ग्रोवर फिर एक बार कपिल शर्मा के नए शो में एंट्री कर चुके हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सुनील ने दफली बंद कर एंट्री की। एंट्री एपिसोड में ही उन्होंने अपनी लड़ाई को लेकर कपिल शर्मा पर कई तंज कसे। 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में 2 बड़ी फिल्में आने वाली हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ वर्सेस मैदान दोनों ही फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज़ पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज़ पर। नमस्कार।